ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସତ୍ୟପାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନୂଆ ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍କୋଚନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁସ୍ତକର ନାଁ ରହିଛି ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଏବଂ ଦି ଡାର୍କ ୱିଙ୍ଗସ୍ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି पूर्व दस टी चमत्कार नोवेल लिखी ख्याति अर्जन कर सत्यपाल नुस्तक नहीं बेस आशावादी रही सत्यपाल रे जन लेखक और उद्योगपति विजुअल वेब ब्राउजर मैग टैप्र प्रतिष्ठाता हो सत्यपाल मैग टैप साइरनेट व्यवहारकारी मैंने सहजे विजुअल ब्राउज विजुअल डक्यूमेंट और भिजुआल डिक्सनारी पढ़ी पार्वकारी एने सत्यपाल चंद्रा सहित तो अधिक आलोचना सीनियर रिपोर्टर अरुंधति मल्लिक आम सहित अच्छा जो लेखक एवं जड़े मैकटफ्र जो फाउंडर सत्यपाल सहित आस तो कथा सत्यपाल चंद्राजी अच्छा केमी तर लेखक जर्नी आरंभ है आज पर्यत से कौन कौन लेखिं जो नोबेल लेखिच जहाँ भी लेखिं से निजे मुहर मुहरू कह कलिम टी को स्वागत आप एक राइटर है और मैकटफ का सीओ रईटर और ये दोनों कैसे दोनों आई थिंक सेम जर्नी है राइटर भी क्या करता है कुछ क्रिएट करता है बिना दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग और ऑन्टरप्रिनर भी यही करता है वो भी कुछ ऐसा बनाता है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो दोनों में आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज़ है दोनों को लोग शुरू में मजाक भी उड़ाते हैं और दोनों की लाइफ शुरू में बहुत स्ट्रगल भरी होती है टलियो आप एक लेवल तक पहुँच जाते हो तो आई थिंक दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है कैरेक्टर होते हैं आप कैसे ढूंढते हैं उन कैरेक्टर को कैसे चूज करते हैं डिसाइड करते हैं सबसे पहले मैं एक स्टोरी बनाता हूँ कि मुझे स्टोरी क्या लिखनी है सबसे पहले स्टोरी एक, एक फिगर आउट करता हूँ स्टोरी में फिर मैं सोचता हूँ कैरेक्टर्स क्या होंगे मेन जो मेल एंड फीमेल कैरेक्टर क्या होंगे उनके ग्राफ कैसा होगा लाइक वो उनके गुण क्या हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं वो कैसे बिहेव करेंगे तो जब पहले आप स्टोरी बन जाती है तो कैरेक्टर कैरेक्टर के बारे में सब शुरू में सब वेग सा होता है कुछ पता नहीं होता बट जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं फिर ऐसा लगता है हमने वो ऐसे लोगों से बहुत बार लाइफ में मिले हो वो कैसे बिहेव करते हैं उनसे कैसे रिलेट कर सकते हो उनके कुछ गुण को आप अपने आप में एम्बाइब कर लेते हो फिर उसको डेवलप करते हो आप बिहार से हैं बिहार से उड़ीसा अब मुंबई में भी रहते हैं ये आपका बुक और नोवेल भी लिखा है ये कैसा जर्नी बिहार और उड़ीसा में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत सिमिलर सा है क्योंकि मुंबई से बहुत डिफरेंट है बट उड़ीसा और बिहार में आई थिंक यहाँ पे सबसे अच्छा था कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं डॉन टू अर्थ हैं हेल्पिंग हैंड है सिटी है, है, बहुत क्लीन है लोग रूल्स को फॉलो करते हैं धार्मिक है जगन्नाथ जी का टेंपल है लोग यहाँ पे आते हैं बहुत श्रद्धा है तो आई थिंक यहाँ बहुत बहुत सिमिलैरिटी है बट हाँ मुंबई की तुलना में बहुत ही डिफरेंट दु, दुनिया है लिखना कब शुरू किया और पहला किताब क्या था या नॉवेल क्या मैंने पहली बुक लिखी थी जि वे बाईस साल का था ट्वेंटी मेरी पहली बुक थी द मोस्टल बैचलर फिर मैंने दो तीन साल मैंने दस नॉवल रिलीज किया उसके बाद मैं अपने कंपनी के काम में आ, मैंने काफ़ी कंपनी फाउंड किया तो उसमें काम कर रहा था ये मैंने एक साल पहले से इस पे काम करना शुरू किया था इस बुक में बेसिकली एक कपल की स्टोरी है एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है एक फैंटसी है एक कपल की लव स्टोरी है जो एक इंडिया के मिथोलॉजिकल शहर में बड़ा फिक्शनल शहर में रहते हैं जहाँ पे हमेशा स्नो होता है जो नाइन प्लैनेट्स है वो सेम एक्सिस में आ गया था अर्थ ग्र, का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया था तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी ऐसे चलती है एक बीस साल पहले क्या हुई थी और आज के दुनिया में क्या हो रहा है और वो वहाँ पे क्यों शहर में क्या क्या कर रहे हैं ये पूरी उसकी स्टोरी है माइथोलॉजिकल फिक्शन है कथा सत्यपाल चंद्र जे भी नोवेल कहूते भुवनश्वर क्यमेरा पर्सन पियुको सहित अरुन्धति मल्लिक रिपोर्ट कलिङ